हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जस्ट अभी उन्होंने प्रॉपर्टी देखनी शुरू करी है। और सबसे पहला जो उनके मन में क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि मेरे बजट में प्रॉपर्टी मिलेगी कहाँ और लोकेशन क्या होगी वो। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो फर्स्ट टारगेट मैंने जो किया है वो है 70 लाख रुपये से लेके जिसका बजट है 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का। तो इसमें मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आज की डेट में जो लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी, वो लोग फर्स्ट ये चाहते हैं कि उनको मिल जाए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, जिसका आज की डेट में जैसा माहौल चल रहा है आप देख रहे होंगे। तो इसमें लोग यही सोच रहे हैं कि उनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल जाए, वो पोजीशन ले लें और इस तरीके के माहौल में वो अपने घर पे रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो इसी वजह से आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी बताऊंगा, पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उनमें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बताऊंगा कि जिसमें आप आज की डेट में शिफ्ट हो सकें थोड़े दिनों बाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप जैसे स्टार्ट मैं कर रहा हूँ 70 लाख रुपए की पहले बता रहा हूँ मैं आपको 70 लाख रुपए से प्रॉपर्टी कहाँ मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपना गुड़गांव जानते हैं, अगर हम एमबीएस मॉल से चलते हैं तो हमें आना है राजीव चौक पे, राजीव चौक से हम सोना रोड पे आते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इस बजट की रेंज में है वो आज की डेट में सिर्फ 2 लोकेशन में बची हुई है। पहली लोकेशन है आपकी सोना के अंदर और दूसरी लोकेशन है न्यू गुड़गांव। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे कि अभी हम सोना रोड पे हैं तो सोना रोड से हम आगे बढ़ते हैं वाटिका चौक, देन ये रोड स्ट्रेट जा रहा है और आप देख रहे होंगे आज की डेट में इस रोड पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है फ्रेंड्स, जो ये रोड है सोना रोड जो 10 से स्टार्ट होती है और 10 से स्टार्ट होकर आगे जा रही है, ये हो गया नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 248A इसका नंबर है। तो ये पूरा नेशनल हाईवे बन चुका है और यहाँ से रहेजा मॉल के पास से ये फ्लाईओवर ऊपर चढ़ना है, देन ऐसे ही 6 फ्लाईओवर इस पे बनने हैं और ये टोटल 22 किलोमीटर का पैच होगा। तो जो सुभाष चौक पड़ता है जब हम राजीव चौक से आते हैं वहां पे अंडरपास होगा और देन ये फ्लाईओवर फिर इस तरीके से चलते जाएंगे और वाटिका चौक को भी ऊपर से निकालना है। क्योंकि मेन जो जाम का पैच था, जैसे अगर हम सोना जा रहे थे लोग सोचते थे कि यार सोना बहुत दूर है, बट ये जो वाटिका चौक वाला पैच था ये ही पूरा खत्म हो जाएगा तो जाम पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी प्रॉपर्टी पे आप अच्छे से सोना रोड पे पहुंच सकते हो क्योंकि जाम वहां पे उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आज मैं फर्स्ट आपकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ वो है सोना रोड, और सोना रोड में भी सोना। तो सोना के अंदर जो फ्यूचर डेवलपमेंट है आज की डेट में वहीं पे हो रहा है और जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है सोना के अंदर, आईएमटी सोना भी बना हुआ है जो कि 1500 एकड़ के अंदर है। मेरा यहाँ पे सोना का आईएमटी जो बन रहा है वो 1500 एकड़, उससे ज़्यादा डबल है। और जो मेन इस रोड की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे इन फ्यूचर डेवलपमेंट भी इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा जो पैच है, ये पूरा जो रोड है, इस पे होटल्स भी आने हैं। तो कम से कम 24 साइट्स हैं इस पे, 24 to 25 साइट्स हैं। आज की डेट में जो रनिंग होटल है, होटल्स हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है लेमन ट्री। जैसे में स्टार्ट होते हैं लेमन ट्री, वहाँ पे ऑपरेशनल है। कंट्री इन वहाँ पे ऑपरेशनल है। तो इसी तरीके के और भी होटल्स हैं वहाँ पे ऑपरेशनल है। देन यूनिवर्सिटीज की बात हम करें तो यहाँ पे जी डी गोयन का जो सबसे बड़ा नाम है वहाँ पे, जी डी गोयन का आज की डेट में ऑपरेशनल है पूरा। देन उसके बाद के आर मंगलम हो गया, इसी तरीके की वहाँ पे यूनिवर्सिटीज। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इस रोड पे हम आगे चलते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज जो है वो रेडी टू मूव की हम बात करें तो रेडी टू मूव में आज की डेट में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है वहाँ पे, जो मैं आपको अच्छे से सजेस्ट करूंगा कि जिनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रॉपर्टीज तो फ्रेंड हर जगह ही होती है, डेवलपर बहुत हर जगह ही प्रॉपर्टी बनाते हैं, बट यहाँ पे जो 2 ऐसे डेवलपर हैं जिनकी प्रॉपर्टी में लोग रह भी रहे हैं और अच्छे से वहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। अगर हम पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है पहला प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आशियाना का, आशियाना अनमोल। तो अगर मैं फैमिलीज की बात करूँ तो कम से कम इसमें जो है 40 से 50% की ऑक्यूपेंसी है, लोग यहाँ पे आके रहने लगे हैं। तो मेनली इस प्रोजेक्ट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके बजट में आपको प्रॉपर्टी मिल कहाँ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है 13.5 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर पहले फेज के अंदर इन्होंने 300 यूनिट्स निकाले थे। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो आज की डेट में 2 BHK इन्होंने जो निकाला हुआ था इसमें 1275, 1720 और 1960 स्क्वायर फीट का साइज था। बट आज की डेट में इन्वेंट्री की बात करूँ तो मैं सिर्फ 2 BHK और 3 BHK 1960 में सिर्फ एक इन्वेंट्री बाकी है, बाकी 2 BHK में आपको इन्वेंट्रीज मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। प्रोजेक्ट फ्रेंड्स बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर क्लब एरिया इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। क्लब इनका 7.5 एकड़ के अंदर इनका क्लब है। इसके अंदर इन्होंने सबसे अच्छा क्या किया हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा आशियाना किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट। बिकॉज ऑफ किड्स सेंट्रिक क्यों है ये, इसके अंदर एक किड्स सेंट्रिक भी इन्होंने क्लब छोटा सा बनाया हुआ है जो कि 1.5 एकड़ के अंदर बना हुआ है। तो उसके अंदर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एमिनिटीज़ हैं, बच्चे इसमें अपने जूडो क्लासेस ले सकते हैं, आपके सिंगिंग का टैलेंट दिखा सकते हैं, उनके अंदर ट्यूशन भी उसको अवेलेबल है, इसी तरीके से मैनी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस प्रोजेक्ट में इसीलिए लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट बनाए हुए हैं, रेंटिंग भी इसीलिए ज़्यादा है फ्रेंड्स। उसके बाद हम अगर फ्रेंड्स बात करें
तो हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास आता है प्रोजेक्ट जो कि राइट साइड में आपके पड़ेगा, ये इधर से हम जाते हैं अगर गुड़गांव से सोना की तरफ तो ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा। अगला प्रोजेक्ट है एल्डिको, एल्डिको का जो प्रोजेक्ट है वो है एकोलेट के नाम से। ये प्रोजेक्ट भी दो जो है वो पार्ट में डिवाइड है। इसका फर्स्ट फेज आज की डेट में डिलीवर्ड है और उसके अंदर भी ऑक्युपेंसी की बात करूँ मैं, 40 से 50% की ऑक्युपेंसी हो गई है, वहाँ लोग इतने रह रहे हैं आज की डेट में। तो वहाँ पे भी जो साइज है अगर मैं बात करूँ, वो भी प्रोजेक्ट जो है वो 13 एकड़ के करीब है, उनके भी उसमें 800 यूनिट्स आने, तो फर्स्ट फेज उनके 400 यूनिट उन्होंने निकाले हैं। 15,000 स्क्वायर फिट का उनका क्लब है, ग्रॉसरी स्टोर उनका चालू हो चुका है। प्रोजेक्ट में अगर यूनिट्स की बात करें तो 1264 स्क्वायर फिट का उनका साइज है 2 BHK का और 1720 स्क्वायर फिट का साइज उनका 3 BHK का, दोनों में यूनिट्स अभी थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आप इस रेंज में जा सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप एक बात बोलोगे कि यार सोना बहुत दूर है, सोना फ्रेंड्स दूर नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें रोड है वो थोड़ा आज की डेट पे ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे ही ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाता है तो सोना बिल्कुल पास में आ जाएगा और सोना के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो ग्रीनरी है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी लोकेशन पे आप चाहे चले जाओ, चाहे वो गोल्फ कोर्स हो चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, दोनों तरफ आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी और कुछ नहीं, बट यहाँ पे आपको पीछे की साइड अरावली दिखाई देगी। इसी की वजह से यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लेवल की भी मैं बात करूँ तो वो भी आज की डेट में यहाँ पे ज़्यादा है और इन फ्यूचर ज़्यादा ही रहेगा भी। कनेक्टिविटी की भी मैं बात करूँ यहाँ पे तो कनेक्टिविटी फ्रेंड्स आपको NH8 से ही तो मिली गई, देन आपकी फिर ये जो सोना रोड है वो भी बहुत बढ़िया है, 6 लेन एलिवेटेड हो जाएगा ये रोड, DMIC बन रहा है यहाँ पे, तो मुंबई के लिए भी जो कनेक्टिविटी आपकी वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आगे फ्यूचर में आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे रेल कॉरिडोर भी आ रहा है तो उससे भी आपकी जो ये सोना है वो डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होगा। KMP ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है, सो KMP से आप कहीं पे भी यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, तो कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस वजह से आज की डेट पे अगर आप सोना में आज ले लेते हो कोई प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे आपको इजी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन अगर हम फिर बात करें दूसरी लोकेशन जो हमने अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो है जाके आपकी न्यू गुड़गांव में भी फ्रेंड्स आज आप कहोगे प्रॉपर्टीज तो बहुत है, बट मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था मैं सिर्फ रेडी टू मूव अच्छे डेवलपर्स की बात करूँगा जहाँ पे इन फ्यूचर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, क्योंकि डेवलपर तो हर जगह ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में वाटिका एक प्रॉपर्टी ऐसी है, एक प्रोजेक्ट ऐसा है, पूरे 700 एकड़ में ये वाटिका फैला हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बने हुए हैं, बट आपकी रेंज में जो आ जाएगा, जो मैंने रेंज आपको डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, तो वो 70 से 1.10 CR के बीच में अगर प्रॉपर्टी बात करें, तो लाइफस्टाइल होम्स में भी 50 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री है जो आज की डेट में वाटिका बहुत अच्छे रेट में दे रहा है, सिर्फ 78 लाख रुपीज़ में प्रॉपर्टी दे रही है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि वाटिका में ऑलरेडी अगर हैबिटेशन की बात करूँ तो पूरे वाटिका में 99% लोग ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे, और टोटल एरिया में आसपास बात करूँ तो कम से कम वहाँ पे 3 से 4 लाख लोग रह रहे हैं आज की डेट में। सारी चीज़ें ऑपरेशनल है यहाँ पे, यहाँ पे आपका मॉल बना हुआ है, यहाँ पे आपकी जो जनरल चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ग्रॉसरीज वगैरह, और अगर हम खाने पीने की बात करें, मूवीज़ की बात करें, तो वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। देन अगर मैं बात करूँ लो राइज फ्लोर किसी को चाहिए होगा तो वाटिका के अंदर वो भी बना हुआ है, वो भी आपका 98 लाख रुपीज़ से लेके 1.10 CR तक में मिल जाता है। तो वाटिका बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यू गुड़गांव के लिए। न्यू गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करें तो वो प्रोजेक्ट है आपका इसी रेंज में आ जाता है कहीं ना कहीं, वो है मैप्सको का माउंट विले। तो मैप्सको के माउंट विले में भी आपको इन्वेंट्री मिल जाएंगी रेडी टू मूव में, और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो रेडी टू मूव में फिर डायरेक्ट डेवलपर से यहाँ पे कुछ भी और इतना खास नहीं है आज की डेट में। रीसेल की मैं बात आज मैंने अपने वीडियो में इसलिए नहीं करी है क्योंकि रीसेल के लिए मैं एक अलग अपना वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रीसेल के लिए, तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। बट बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी आती रहती थी हमारे पास जिसमें उन्हें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी डायरेक्ट डेवलपर से चाहिए थी जिसमें उनको हेडक ना हो ज़्यादा, तो वो ये प्रॉपर्टीज थी फ्रेंड्स जो कि आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के आपने जो देखे होंगे मैंने प्रोजेक्ट्स बहुत ही आपको लिमिटेड बताए हैं, कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बताए हैं, प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप अगर एक बार इन्वेंट्री लोगे तो फ्यूचर में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको सारे प्रोजेक्ट बता दिए हैं, अगर फिर भी आपको इनके बारे में कोई इंक्वायरी करनी है कुछ भी करना तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मेरे को फेसबुक अकाउंट पर जाकर मेरे को पिंग कर सकते हैं, इंस्टा पर जा सकते हैं मेरे, तो फ्रेंड्स इन पर जाके आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, आज जो मैंने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात करी आप इस बजट में दे सकते हो, तो अगली बार मैं लेके आऊँगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसी रेंज के अगले वीडियो में अपने लिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें उसको, और इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में, ओके तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।